हद हो रखी है भाई, मेरे क्या फैसिलिटीज बनाई है इस कॉलेज में। सच बता रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि यार कॉलेज ही है ना, कहीं होटल वोटल में तो नहीं आ गए हैं। एसीड रूम, डिजिटलाइज्ड बाथरूम्स, हद हो रखी है भाई। क्या क्या चीजें हैं आरजी एनयूएल में जो तुम्हें जाननी चाहिए, क्या तुम्हें इस कॉलेज में जाना चाहिए, इतनी लग्जरी होने के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, एंड व्हाट शुड बी द राइट डिसीजन फॉर यू व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ ब्राइट फ्यूचर एंड हैज गॉट अ रैंक व्हिच इज टेकिंग यू टू आरजी एनयूएल विल बी डिलीवर्ड बाय मी इन दिस वीडियो। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड चलिए कॉलेज को घूम कर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लंसपायर पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं पटियाला के सबसे बेहतरीन लॉ कॉलेज, यानी कि पंजाब के सबसे बेहतरीन लॉ कॉलेज की बात करेंगे, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब की। दोस्त कुछ चीजें तो ऐसी है ना यार, एनएलएस में नहीं मिल रही होंगी, एनयूजीएस में नहीं मिल रही होंगी, कहीं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही होंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। कह सकता हूं आरजी एनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एनडीयू का बाप है दोस्त। जाननी हर डिटेल तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। और दोस्त एक बात याद रखो, तुम वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते हो ना यार, दिल में बहुत दुख होता है। मैं इतनी सारी डिटेल्स तुम्हारे लिए, कॉलेजेस के बच्चों से बात है, कोई कोरा का यहाँ काम नहीं हो रहा है दोस्त, कहीं और गूगल से रेफर नहीं कर रहा हूँ मैं सीधा इंस्टीट्यूशंस के बच्चों से बात करके तुम्हारे लिए एग्जैक्ट वही डिटेल्स जो तुम उस कॉलेज लाइफ में जीने वाले हो, तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए, तुम्हारे लिए बेस्ट मोटिवेशन लेके आता हूँ। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ दोस्त, तो इतनी इतनी सी चीज़ तो कर सकते हो ना कि मेरे लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक वो बटन दबा दो जिसको हम घंटा कह सकते हैं। और अगर दिल में अच्छा लग रहा हो, वीडियो तो अच्छी लग रही है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो कुछ कमेंट करके मेरा कुछ प्रोत्साहन कर देना। तो मेरे पास तुम्हारी हेल्प करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज बन पा रहे हैं, मैं सब कुछ यूज करके तुम्हारे सारे रिव्यूज लेके आऊंगा दोस्त, तुम अपना डिसीजन राइट ले सको वो तुम्हें बताऊंगा दोस्त। तुम्हें आरजी एनुअल जाना है या एचएनएलयू या एनएलयूओ, ऊपर की हो तो तुम्हें एनएलयू जाना है, एनएलयूजे जाना है, एनयूजेएस, हर वो कंफ्यूजन जो एक बच्चे को होता है वो तुम्हें इस चैनल पे क्लैरिफाई हो रहा होगा दोस्त। तो अगर इन सबके बावजूद तुम कह रहे हो कि मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो आई थिंक तुम मेरे साथ इनजस्टिस कर रहे हो, लॉ पढ़ने जा रहे हो ना, डोंट डू इनजस्टिस टू एनीवन। तो इस सब लेक्चरबाजी के बाद शुरू करते हैं आज की वीडियो, बात करते हैं आरजी एनुअल की। दोस्त हमारा खतरनाक सा सिंबल बन के आ चुका है, कॉलेज रिव्यू नंबर 5 है हमारा। और सिंबलों की बात करें तो यार इसको मत भूलना, दी लंसपायर। जी हाँ, हमारा चैनल का नाम है दी लंसपायर। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्त। कॉलेज की अगर बेसिक डिटेल्स की आप मान लें तो 2006 में एस्टेब्लिश हो रहा है यार, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं 50 एकड़ कैंपस है, 50 एकड़ का कैंपस हर वो चीज तुम्हें प्रोवाइड कर सकता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है एज ए स्टूडेंट। एंड ये आरजी एनुअल तो जैसे जैसे बताऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये चीज उसमें खरा उतर रहा है, ठीक है। तो चाहे हम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन हमारी जो है सिद्धवाल बटसा बटसन में रोड पे पटियाला पे हो रही है, ठीक है। ये ऐसा समझ लो तुम लोग दोस्त थोड़ा सा आउटर में रहते हैं, रीजन इसलिए है ना क्योंकि इतना बड़ा एरिया हमारे पास मेन सिटी में नहीं हो पा रहा होता है ना, तो उन चीजों को देखते हैं। बाकी फोटोज से आप समझ सकते हो कितना क्लीन, कितना शानदार, ये सब रियल है यार दोस्त। जाओगे आरजी एनुअल तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंसेस हो रहे होंगे। लोकेशन समझ सकते हो दोस्त, रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर, बस स्टैंड 10 किलोमीटर, एयरपोर्ट नहीं है यार,
एयरपोर्ट आपको चंडीगढ़ से ही फ्लाइट पकड़नी और लेनी पड़ेगी, तो वो चीज़ मेरे को लगता है कोई डिमेरिट है जो बहुत दूर से लोग एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए, तो उनको थोड़ा सा लंबा ट्रैवल करना होगा, बट दैट इज ऑल्सो फाइन यार। मैं तुमको बता दूंगा कुछ ऐसी चीज़ें, यू विल सी कि यू विल लव टू कम टू आर जी एन यू एल जब तुम्हें पता चल रहा होगा कि यदि यार ऐसा भी है। ठीक है, चलो लोकेशन तुमने समझ ली, ठीक है, इतनी इतनी डिस्टेंस है, तो आई थिंक कनेक्टिविटी इश्यूज बहुत ज्यादा नहीं है, सो आप यहाँ आ सकते हो, इसलिए परेशान ना हो। एडमिशन लेना चाह रहे हैं सर, क्या करना है, क्लैट देना है दोस्त, और LLM और PhD के लिए अपने इनके सेपरेट एग्जाम्स हो रहे होते हैं, अलग अलग तरह से प्रोसेसेस हैं, उन सबको कवर करना मेरा काम नहीं है दोस्त। आई एम फोकसिंग ऑन अंडर ग्रेजुएट्स, तो उन लोगों को क्लैट देना हो रहा है और अच्छी से रैंक लानी हो रही है, लगभग लगभग आप आई थिंक 800-900-1000 के आसपास ला रहे हो, तो आप इसमें घुस सकते हो। वही बता रहा हूँ, ये कैसे बताता हूँ दोस्त, ये चीज ऐसा है ना कि फिक्स रैंक्स अगर मैं बताने लग जाऊं तो इट डिफर्स ऑन द चॉइस ऑफ द पीपल एवरी ईयर। लाइक RML की बात करूं, राम मनोहर लोहिया की, तो वो लास्ट ईयर कुछ 650-700 रैंक में शायद क्लोज हो रहा था, बल्कि वो इतने में क्लोज नॉर्मली नहीं होता है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू ईच ईयर डेटा, सो चेक अकॉर्डिंगली एंड देन डिसाइड विच कॉलेज यू आर गेटिंग एंड विच इज द बेस्ट वन अमंग देम। ओके, तो उसके लिए हमारी वीडियोज हैं, तो इसीलिए सारी को देख डालो दोस्त। ठीक है, कोर्सेज हमारे यहाँ जो पढ़ाए जा रहे हैं वो तो जो उसमें सीट ब्रेकअप है उसको जान लेते हैं दोस्त। ठीक है, लगभग अनरिजर्व के लिए 133 सीट हो रही है, ठीक है, टोटल सीट हमारी दिखाई दे रही है 180। भाई अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट्स हैं, आप मेहनत करें आप डेफिनेटली आ सकते हैं। आप 133 सीट भी समझ रहे हैं दोस्त, काफी होती हैं। और इसका भी तुम्हें मैं कारण बता देता हूँ क्या हो रहा है यार, यार इतना एरिया है, इतने क्लासरूम्स अच्छे अच्छे बना रखे हैं, और क्लासरूम्स की बता रहा हूँ तुम्हें, आई गॉट द रिव्यू कि हमारे CNLU एक बच्चा मेरा, एक मेरा फ्रेंड है जो CNLU में एज एक महीने के लिए, जब उसका डायरेक्ट एडमिशन हुआ CNLU में होता, देन वैकेंसी के थ्रू ही गॉट इन टू RGNUL एंड देन आई आस्क्ड हिम अबाउट द कंपेरिजन, तो उसने मेरे को बताया भाई डबल साइज के क्लासरूम हो रखे हैं। When we talk compare these two institutions, and I am saying CNLU के क्लासरूम्स ही बहुत ही प्यारे हैं दोस्त, उस हिसाब से अगर तो क्या ही माशाल्लाह हो रहा होगा। ठीक है, सो उस चीज को देखो और इस कॉलेज में घुसने की लिए दम लगा दो दोस्त। फी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तुमको मैं कुछ ऐसे NLUs के बारे में बताऊंगा जो तुमको बहुत ही ज्यादा लूट रहे हैं और वहां तुम्हें मैं जाने से रोकूंगा भी, तो उन चीजों को यहां देख लो। RGNUL की फीस अगर हम बात करते हैं, RGNUL की फीस अगर हम बात कर रहे हैं, तो उन चीजों को हम देखते हैं, ट्यूशन फी इतनी लग रही है हमारी और टोटल फी 2,06,000 लग रही है। दोस्त एक बात समझने की कोशिश करो, अगर मैं बताऊं CNLU कंपेयर करके, ठीक है, वहां पे आई पेड अराउंड आई थिंक फर्स्ट टाइम में 2 लाख प्लस में ही कुछ अमाउंट था, और वो सब चीजें मिला के क्यों पहली बार में ज्यादा दी जाती हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो रिफंडेबल होते हैं, जो बाद में आपको वापस मिलते हैं, और बहुत सारी अलग अलग तरह की फीस भी होती है जो कि बाद में कम हो जाती है थोड़ी। ठीक है, सो इनिशियली व्हेन यू एंटर सो यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट, दिस इज द फी स्ट्रक्चर वी कैन से, एंड दैट विल चेंज। अब सर आप कहोगे कि क्या ये वर्थ इट है, तो डेफिनेटली वर्थ इट है, कॉलेज इज प्रोवाइडिंग यू द फैसिलिटीज फॉर विच इट इज टेकिंग मनी। ठीक है, मेड बी फूड, मेड बी एनी अदर काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेड बी फैकल्टी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, ऑन कैंपस फैसिलिटीज दोस्त, यही तो मैं बात कर रहा था, इस वीडियो के पार्ट में आप आ चुके हो और आप देख रहे हो, यार सुनो ये देख रहे हो, लिटरली बता रहा हूँ, मैथ बहुत गंदी होती है हमारी हर जगहों की, मैं अपनी नहीं बता रहा, मैं मोस्टली जगहों की बता रहा हूँ, इतना शानदार एरिया जो बना रखा है वो नहीं होता दोस्त, ये देख रहे हो, मूड कोर्ट हॉल दिखाई दे रहा है ब्रदर, मैं तुम्हें बताता हूँ रियलिटी क्या है कॉलेजेस की, एक कॉमन हॉल होता है नॉर्मल ऑडिटोरियम, ठीक है, उसमें ही वो कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, सेमिनार्स कराते हैं, मूड कोर्ट भी वहीं करवा देते हैं, कुछ भी स्पीचेस वहीं करवा देंगे, हर वो चीज वहीं करवा देंगे। यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है एक डेडिकेटेड मूड कोर्ट हॉल है तुम्हारे लिए, ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा अरेंजमेंट है वहां पर। हॉस्टल्स यार, गर्ल्स हॉस्टल में बैल्कनी का साइज देख रहे हो, मुझे बताया गया कि 20-20 ब्लॉन्डे मेरे हद दो रखी है, मतलब रूम्स बहुत बड़े हैं, और सबसे सबसे खतरनाक बात हॉस्टल के बारे में बताऊं, अच्छा नहीं वेट अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताता हूँ, थोड़ा सस्पेंस बनाओ। हॉस्टल्स में कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत बढ़िया है, ठीक है,
बॉयज हॉस्टल्स कुछ हमारे ये हैं। अच्छा तुम लोग कह रहे हो ये सर खूब सारी बिल्डिंग, तो पॉइंट टू बी नोटेड 6 हॉस्टल हैं दोस्त यहाँ पे गर्ल्स के और 6 हैं बॉयज के, समझ पा रहे हो। CNLU में दुख की बात है केवल 1 हॉस्टल है बॉयज का और केवल 1 हॉस्टल है गर्ल्स का। इवन इन अदर कॉलेज ऑल्सो दोस्त केवल 1 कॉलेज है, 1 हॉस्टल है बॉयज का और 1 हॉस्टल है गर्ल्स का। कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे एनएलयू हैं और कईयों में तो हॉस्टल ही नहीं है, कईयों का खुद का कैंपस नहीं है दोस्त। तो उन चीज को देखते हुए RGNUL बहुत तगड़ा कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं दोस्त। कैंटीन देख रहे हो, ये कॉलेज की लग रही है सच में, दिखाई दे रहा है कैंपस देख रहे हो यार, ये सब चीजें जन्नत होती हैं दोस्त। कैंपस लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिम्स कॉलेज का ही है, लाइक आप लेवल देख रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा था वीडियो की शुरुआत में, ठीक है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं एक स्टूडेंट को, जब वो एक 5 साल जिस जगह बिताने जा रहा है वो चीज अगर इतनी खतरनाक हो रखी हो, इतना शानदार बना रखा हो, तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करता है किसी को भी, ठीक है। चलो कुछ और चीजों की बात करते हैं, फैसिलिटीज और कर्फ्यू टाइमिंग्स देख लेते हैं कॉलेज की। तो 12 बजे के बाद बताया जा रहा है कि आपको हॉस्टल में वापस आना होता है, ठीक है, और आपकी जो लाइब्रेरी होती है वो भी उसी टाइम लगभग बंद हो रही होती है, ठीक है। आपको आई थिंक, यहाँ मैं लिखना भूल गया दोस्त, आई थिंक 8-8:30 के आसपास आपको कॉलेज में घुस जाना होता है और कॉलेज कैंपस में आप घूम घाम के 12 बजे तक अपने हॉस्टल में घुस सकते हो। कैंपस इधर काफी बड़ा होता है दोस्त, है ना, तो समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, लॉन, टेनिस भाई सीएनएलयू में कहाँ खेलोगे, जगह ही नहीं है। आने माने में इसमें कहाँ खेलोगे, जगह ही नहीं है। बैडमिंटन, वॉलीबॉल कोर्ट, पावर सप्लाई है 24 घंटों के लिए, ठीक है। कैफेटेरिया की तो बात ही छोड़ दो यार, हॉस्टल में अलग दुकान बना रखी है रात के लिए, अलग दुकान तुम्हारे कैंपस में घूमने के लिए रात में 2 आई थिंक अलग दुकानें हैं। आप रात में 3-4 बजे तक जा कुछ भी खा पी सकते हो, मस्ती कर सकते हो यार, डेफिनेटली आपके पास वो चीजें अवेलेबल है। मैं जानता हूँ इट्स वेरी कॉमन, बट दैट्स नॉट अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। आई एम जस्ट मेंशनिंग यू कि आप उन चीजों को याद रखें। जिम को तो मैंने दिखाई दिया भाई, प्रोफेशनली ट्रेनर्स मिल जाएंगे तुमको पर्सनल, भाई सरकार और कॉलेज खर्च कर रहा है तुम्हारे लिए दबा के, ठीक है। बास्केटबॉल कोर्ट मिल जा रही है तुम्हें, क्रिकेट प्ले ग्राउंड मिल जा रहा है, फुटबॉल ग्राउंड, और एक बात और मुझे रिव्यू मिला, यहाँ पे इन चीजों को काफी महत्ता मिल जाती है, मतलब कि स्पोर्ट्स कमेटी जो स्पोर्ट्स कराती है दैट इज वेरी लाइक स्पोर्ट्स कमेटी इज वेरी एक्टिव, सो हर चीज बहुत ही एंथुसियास्टिकली कंडक्ट होती है और चीजों को बहुत ज्यादा फिजिकली फिट रखने पे ध्यान रखा जाता है, ऐसा मुझे बताया गया। सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू गो इन एंड डू समथिंग गुड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट RGNUL, ओके। तो बात कर रहे हैं हम लोग और एक्टिविटीज की, योगा हो रहा है, एरोबिक्स हो रहा है, ठीक है। 2 fully air conditioned कंप्यूटर लैब, दोस्त लैब नहीं है यार, बहुत जगहों पे नहीं है और CNLU में नहीं है यार, क्या बोले हम, दुख होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट सच्चाई तो सच्चाई है यार, है ना। चलिए डिजिटलाइज्ड हॉस्टल्स एंड कैंपस, इसके बारे में कुछ खतरनाक चीज बताता हूँ यार। तुम जब अपने वॉशरूम्स में घुस रहे होगे तो लाइट अपने आप जल जाएगी, जिन रूम्स में तुम सो रहे हो सुबह से शाम तक उनमें कंटिन्यूस एसी है, सेंट्रलाइज्ड एसी हॉस्टल्स हो रखे हैं दोस्त, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ। हॉस्टल्स में आपके लिए उसका कुछ ऐसा खतरनाक चार्ज नहीं होना और पूरे साल ऑल द टाइम आपको एसी में अब की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, दैट इज नॉट देयर इन एनी अदर एनएलयू एज पर माय नॉलेज। सो ये चीज बहुत ही ज्यादा इन चार्जेस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है दोस्त। आपको एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा होगा, कभी आपको कोई मौसम परेशान नहीं कर रहा होगा, और जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल और कॉलेजेस का, कई जगहों पे पता है लिटरली आई वुड टेल यू इट इज नॉट इवन अलाउड कि आप खुद से कूलर लगा लो, कई जगहों पे इट इज सेड कि आप लगाओ और पैसे दो भाई खुद से, एसी वेसी लगाओ ठीक है लेकिन खुद से खरीदो लगाओ पैसे दो। तो इन चीजों को आप देखिए समझिए फिर बोलिएगा कि RGNUL के पैसे की फीस जो है बस थोड़ी सी कुछ और ज्यादा है,
तो उन चीजों का ध्यान रखते हुए ही किसी चीज को जज करना। चलो बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, आई नो, बिकॉज आई लव RGN एनुअल व्हेन वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो आगाही नाम का इवेंट हो रहा होता है, जीलस नाम का स्पोर्ट्स फेस्ट हो रहा होता है। भाई ये कल्चरल फेस्ट है, ये स्पोर्ट्स फेस्ट है, अपने आप में ये हर कॉलेज जो NLU रेंज में है, जो ऊपर के टॉप 10 में कह सकता हूँ, वो एक बहुत अच्छे लेवल पर कंडक्ट कराते हैं। ये लोग अलग अलग कॉलेजेस पे अलग अलग टीम्स को बुलाते हैं हर वो चीज़ करने, हर वो कंडक्ट कराने, हर वो इवेंट में पार्टिसिपेट करने जो ये कंडक्ट करा रहे होते हैं। दोस्त कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन सोलाना का जो है वो RGNUL कराता है, बहुत ही शानदार मूड होता है। ADR का भी अच्छा खासा बोलबाला है। तो दोस्त मीडिएशन मूड कोटिंग का भी भयंकर कल्चर हो रखा है, परेशान होने की बात नहीं है। बात यही कहूंगा कि तुम्हें मंच RGNUL हर चीज का प्रोवाइड कर रहा है, इफ यू आर केपेबल इनफ। अगर तुम अच्छा करना चाह रहे हो, यू हैव द फैसिलिटीज अवेलेबल एट RGNUL। ठीक है, चलिए जी बात करते हैं हम लोग हॉस्टल फैसिलिटीज में और कुछ चीजों की। तो फर्स्ट से लेके थर्ड ईयर में हम लोगों को डबल रूम मिल रहा होगा दोस्त। ठीक है, हम लोगों को फोर्थ और फिफ्थ ईयर में सिंगल रूम्स मिल रहे होंगे। कारण भी समझ लो यार, कई बार ऐसा होता है कि पीपल हु आर कमिंग फर्स्ट टाइम आउटसाइड ऑफ देयर रूम आर नॉट कंफर्टेबल लिविंग अलोन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चाह के भी आई थिंक सो, जैसा मुझे बताया गया, कैन नॉट ऑप्ट फॉर सिंगल रूम्स। This may differ. This is a like subjective thing. People may differ, and even NLUs are differing. Like कुछ colleges में आपको first year से ही single room मिल रहा है, कुछ में second year से, कुछ में fourth year से. So that is according to different facilities available. Like जगह कितनी है, और उसके बाद आपके administration की decisions है ना. So that is there. तो मेरा काम था inform करना, तो I have informed कि fourth or fifth year में आपको single room मिल रहा होगा RGNUL में. ठीक है यार, जो डबल रूम भी है ना बहुत बड़े हैं यार, बहुत स्पेशियस हैं। तो प्लीज परेशान नहीं होना है, बढ़िया बढ़िया हो रहा है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं आगे अकेडमिक्स की। यार अकेडमिक बहुत ही ऑनेस्ट बात बताऊं तो अकेडमिक्स का सीन मोस्टली जगहों पे वही होता है कि टीचर्स कुछ अच्छे कुछ बुरे, बच्चे कुछ अच्छे कुछ बुरे, मिला मिलू के सबका मिक्स सेंस हो रहा होता है। ठीक है, तो अकेडमिक्स में अगर हम अब मार्क्स डिवीजन की बात करें तो आपके जो हर सेमेस्टर में टेस्ट हो रहे होंगे, यानी कि 10 सेमेस्टर, उसमें से एक सेमेस्टर में जो टोटल मार्क्स डिवीजन हो रहा होगा, वो एग्जामिनेशन स्कीम जो है वो कुछ इस तरह से है कि आपका एक मिड सेमेस्टर का छोटा सा पेपर रिटर्न एग्जाम रिटर्न होगा 20 नंबर का, प्रोजेक्ट आपके 40 मार्क्स के होंगे, दैट इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे 20 नंबर का रिटर्न प्रोजेक्ट, 5 नंबर अटेंडेंस के, भाई दुख हो जाता है यार इसको देख के। अटेंडेंस की बात जान के किसी भी ऐसे शानदार कॉलेज में मेरा दिल तो रोने सा लगता है यार। इवन आप एंड सेमेस्टर फिर जो है 40 नंबर कर रहे होगे, 15 नंबर का वाइवा हो रहा है, अच्छी है सब चीजें, ये हटा दो यार प्लीज। रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, बच्चों से, कोई अगर वीडियो देख रहा हो RGNUL, प्लीज किसी को दिखाओ यार, समझो प्लीज, बच्चों को दुख होता है यार अटेंडेंस के बाद। ठीक है, चलो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अटेंडेंस वाला जो मैंने बताया उसमें देख लो यार, बहुत दुख होता है। ऐसे मैं हर बार इसकी दो स्लाइड बनवाता हूँ कि एक्चुअली 85% तक आप डिडक्शन करवा रहे हो नंबर का, कोई बात नहीं, फिर 85 के बाद फाइन लगता है यार। जी हाँ, आप 1500 रुपये फाइन इजीली बच्चों को देते हुए देख जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग सोते ही रहते हैं, एसी में मस्ती करते रहते हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप उस चीज को फेस कर रहे हो। ठीक है, कमिटीज एंड सोसाइटीज दोस्त, आई वुड से कि डिसेंट लेवल पे सभी एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा किसी का मतलब रोल नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक टॉप NLUs में जैसे नहीं होता है, आई विल टॉक अबाउट देम, कुछ कमिटीज कुछ ज्यादा ही फोड़ रही होती हैं, लाइक फिलिप्स जैसब जैसे कॉम्पिटिशन जो हैं मूड कोर्ट में जीत रहे होते हैं लोग, बट दैट इज आई थिंक एबसेंट इन RGNUL। बट या डिसेंट वर्क इज डन, पीपल आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दीज कमिटीज एंड पीपल आर डूइंग गुड, सो दैट्स द सेम थिंग आई सेड कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम होता है कॉलेज का, एंड दैट इज डन वेरी वेल बाई RGNUL। सो फोकस ऑन योर इंटरेस्ट, योर फील्ड, एंड जस्ट गो एंड बैंग ऑन दोस्त। कुछ कॉलेजेस में यही ये जो नंबर है ना ये ज्यादा होता है, तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम NLU में ही चले जाओ, उसमें भी जो मैं तुम्हें बताया था शायद कि अगर आपका कॉलेज आगे बढ़ रहा है तो उनका रीजन भी शायद यही है कि बच्चे सभी चीजों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर किसी और कॉलेज में चले जाओ तो शायद वहां पे तुम्हें इससे भी कम मिल रही हो।
तो इन चीजों को ध्यान रखो दोस्त, और फिर अपना इंटरेस्ट चूज करके लग जाओ, ठीक है। चलो फैकल्टी मिस मैंने तो बता दिया, बढ़िया हो रही है, ठीक है, कुछ लोगों का ओपिनियन। और चलिए अब हम अपनी इंपॉर्टेंट बात पे, अपने डिसीजन मेकिंग पे आते हैं, ठीक है। तो क्या है आरजी एनुअल में अच्छा? सर यार देखो, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, तो आज या तो खुश रह लो, यानी कि आज बिल्कुल पेन मत सहो और बाद में रो, या फिर आज अपने आप को थोड़ा सा कष्ट दे लो और बाद में लाइफ लॉन्ग एंजॉय करो, ठीक है। सेम इज हैपनिंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्लैट एज अ पेपर। आप अगर आज मस्ती कर रहे हो तो आपके पास ये कॉलेज तक पहुंचने की यार एग्जैक्ट वर्ड तो औकात नहीं है तुम्हारी, लेकिन अगर आज तुम मेहनत कर रहे हो, आज तुम पूरी जान लगा रहे हो, अपने सपने के लिए सुबह शाम पढ़ रहे हो दोस्त, तो यार ये चुटकियां हैं, तुम तुरंत पहुंच सकते हो इनमें, ठीक है। अब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हमारे लिए सब कुछ इतना प्यारा होना अच्छी बात है? तो एस पॉइंट पर माय पर्सनल ओपिनियन दोस्त, टू मच कंफर्ट इज ऑल्सो नॉट गुड। मैंने देखा और जो सुना बच्चों से, लोगों का कहना है कि पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजिली व्हेन वी टॉक अबाउट आरजी एनुअल, और तो और पीपल आर नॉट लाइक हैविंग दैट काइंड ऑफ एटमोसफेयर, जो कहते हैं एक फ्रेंडली एटमोसफेयर होता है जो कि सीनियर्स और जूनियर्स में कनेक्शन होता है। दैट इज मी, दैट मे बी द पर्सनल ओपिनियन ऑफ माई फ्रेंड्स और द पीपल विद हुम आई हैव डिस्कस, बट दैट इज वन थिंग विच आई केम टू नो, ठीक है। और तो और दोस्त, स्टूडेंट बॉडी ना होना किसी भी कॉलेज के लिए गलत बात होती है, एज बिकॉज आपका रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अच्छे से नहीं हो पा रहा होता है। जैसा मुझे बताया गया, एक अच्छा खासा रोड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन और मतलब स्टूडेंट के बीच, उन दोनों की अच्छी नहीं बनती है, तो प्रोटेस्ट वगैरह भी हो जाते हैं आरजी एनुअल में, दैट इज लाइक हुआ है। और एक चीज बहुत बुरी, आपकी रैंक अच्छी है ना तो आपको फर्स्ट फ्लोर मिल रहा होगा, उससे बेकार रहेंगे तो आपको सेकंड फ्लोर मिल रहा होगा, उससे बेकार रहेंगे तो आपको थर्ड फ्लोर मिल रहा होगा, यानी कि ये जो रैंक वाइज हॉस्टल का अलॉटमेंट हो रखा है, दैट इज वेरी बैड फ्लोर, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। आपको रहने टाइम पे हर वक्त ये महसूस होगा कि यार मेरे थोड़े से नंबर कम आए इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो दैट इज वेरी रॉन्ग यार, है ना। अब क्या क्या चीजें फायदा है आरजी एनुअल में, देखो कई बार हम सोचते हैं, मैंने तो बताया कि एक साइड तो ये है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो इतनी फैसिलिटीज और इतनी सब चीजों से, एक साइड ये भी तो है यार, आई हैव अ प्रॉपर जिम विद मी, आई हैव द कंट्रोल कि मेरे पास, मेरे को कभी गर्मी या मेरे को कभी मौसम की वजह से मेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, है ना। इफ आई विल बी डिसिप्लिन तो आई हैव द बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री, जहाँ मैं अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ, जहाँ मैं किसी भी चीज पे फोकस कर सकता हूँ, इन चीजों को देखो, है ना। और ना ही ना केवल ये, जो एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स कल्चर जैसे अच्छा हो रखा है और भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का मैं फ़ायदा उठा के अपने आप को एज ए इंडिविजुअल भी डेवलप कर सकता हूँ, बट दैट इज़ ऑन अ पर्सन एन एन इंडिविजुअल, है ना। सो दैट शुड बी डिसाइडेड बाय यू कि क्या मुझे मम्मी जब तक चिल्ला के हड़का के पढ़वाती नहीं तब तक मैं नहीं उठता। अगर ऐसा है दोस्त तो डोंट गो टू आरजी एनुअल, यू विल फील तुम्हारी पढ़ाई एक साल में ही जहाँ तुम थे वहाँ से बहुत नीचे आ गई। काफ़ी चीज़ें इंसान को बदल देती हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल एनवायरनमेंट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि पैकेजेस सर कितने लग रहे हैं, तो पैकेज की बात करूं दोस्त तो ऑनेस्टली ये जो लिखा है ये डिसेंट आई वुड से कि फाइनल डेटा नहीं है, कहीं आरजी एनुअल ने मेंशन नहीं किया, मेरे दोस्तों ने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग यार यहाँ पे पैकेजेस कुछ बच्चों के तो अच्छे लग जाते हैं, ठीक है, कुछ बच्चों के तो अच्छे लग जाते हैं, बट मोस्टली बच्चों का पैकेज शायद ना लगे और जो लग रहा है एवरेज पैकेज वो 8-10 लाख लग रहा होगा, ठीक है। तो आई वुड से कि बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है। जुडिशरी, राजस्थान जुडिशरी और हरियाणा जुडिशरी, पंजाब जुडिशरी में लोग जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ वन थिंग विच वॉज मैंशनड बाई माई फ्रेंड, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी गुड, बिकॉज एक जगह पे दोनों तरह का कल्चर मिल रहा है आपको, है ना।
आपको मैं कुछ टॉप कैंडिडेट्स की बात करूंगा जहां पे लोग चाह रहे हैं तैयारी करना यूपीएससी जुडिशरी की, उन्हें साथ में लोग नहीं मिल रहे हैं, कंपनी नहीं मिल रही, बिकॉज इट इज हाईली कोऑपरेट डोमिनेटिंग एनवायरमेंट। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं, एक मिक्स टाइप ऑफ एटमोसफेयर मिलेगा, फैसिलिटीज बेस्ट मिल रही होंगी। तो यस, इफ यू आर अ फोकस्ड एंड अ डिसिप्लिन्ड गाय, इफ यू नो बाय योरसेल्फ कि तुमको पता है कि तुमको कुछ करना है यार जिंदगी में, ठीक है, तो डेफिनेटली गो टू RGUNL NUL, बिकॉज हर चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाप इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्त। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम यार भटक सकते हो, पता होता है दिल में, यहाँ पता होता है अपने आप को मैं कौन हूँ, ठीक है, तो यार यहाँ मत जाना, ठीक है। आई वुड एडवाइज एज अ सीनियर, एज अ भाई, एज अ मेंटर, एनीवन इफ यू थिंक, तो यहाँ उन चीज़ों की वजह से शायद तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद भी हो सकता है, बिकॉज कईयों का हो रहा है, ठीक है। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो यार, अगर मेरी ऑनेस्ट एडवाइस पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई पर्सनल तुम्हें अपना डाउट हो तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, आईडी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियोस को चेकआउट करो यार, बेस्ट कॉलेज में जाना हमारी लाइफ को एक तरफ से दूसरी तरफ डायरेक्शन दे सकता है, तो इसलिए अपने लिए बेस्ट चॉइस लो यार, सारी वीडियोस देखो, अपने सारे दोस्तों को दिखाओ, क्योंकि आई थिंक YouTube पे तुम्हें ऐसा कुछ कहीं भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और इसीलिए ये वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो विद दैट नोट यार, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ही जाना, और हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं, चलिए बाय बाय।